प्रिय विद्यार्थियों, आज क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट लाइम ओ फ्लेयर 3। इसके राइटर हैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस चैप्टर में कुछ ग्लोसरीज में मीनिंग्स दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सीगल, SEAGULL, इसका इंग्लिश मीनिंग है ए सी बर्ड, या समुद्री काक, समुद्री कौवा या पक्षी। नेक्स्ट है ब्लिंक, BRINK, ब्रिंक, ब्रिंक इंग्लिश मीनिंग है एज, EDGE, हिंदी मीनिंग किनारा। नेक्स्ट है फ्लैप, FLAP, इंग्लिश मीनिंग है टू मूव विंग्स, यानी पंखों को फड़फड़ाना। नेक्स्ट है बेंट, BENT, इंग्लिश मीनिंग बोर्ड, BOWED, हिंदी मीनिंग है झुका लिया। नेक्स्ट मीनिंग है मस्टर, MUSTER, मस्टर, इंग्लिश मीनिंग है गैदर, GATHER, जुटाना या एकत्रित करना। नेक्स्ट मीनिंग है प्लंग, PLUNGE, इंग्लिश मीनिंग है जंप, JUMP, छलांग लगाना या कूदना। नेक्स्ट मीनिंग है अपब्रेडिंग, UPBRAIDING, इंग्लिश मीनिंग है स्कॉल्डिंग, SCOLDING, फटकारते हुए। नेक्स्ट मीनिंग है वेव्स, WAVES, इंग्लिश मीनिंग है करेंट ऑफ वाटर, CURRENTS, ऑफ वाटर, WATER, यानी लहरें, पानी की जो लहरें होती हैं उन्हें वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रेजिंग, RAISING, इंग्लिश मीनिंग है मूविंग अप, ऊपर उठाना। नेक्स्ट मीनिंग है टॉन्टिंग, TAUNTING, इंग्लिश मीनिंग है रिप्रोच, REPROACH, ताना मारना, व्यंग करना। नेक्स्ट मीनिंग है ब्लेजिंग, BLAZING, इंग्लिश मीनिंग है शाइनिंग, SHINING, चमक रहा। नेक्स्ट मीनिंग है नाइट फॉल, NIGHTFALL, इंग्लिश मीनिंग है ट्विलाइट, TWILIGHT, यानी शाम का समय। नेक्स्ट मीनिंग है डोजिंग, DOZING, इंग्लिश मीनिंग है फॉलिंग एस्लीप, FALLING, ASLEEP, ऊंघते हुए। नेक्स्ट मीनिंग है थ्रस्ट, THRUST, इंग्लिश मीनिंग है रेज्ड, RAISED, निकला हुआ। नेक्स्ट मीनिंग है टीयर, TEAR, इंग्लिश मीनिंग है टू सेपरेट, टू सेपरेट, SEPARATE, फाड़ना। नेक्स्ट मीनिंग है वेट, WHET, इंग्लिश मीनिंग है टू शार्पेन, SHARPEN, तेज करना या पेना करना। नेक्स्ट मीनिंग है स्क्रीम्ड, SCREAMED, इंग्लिश मीनिंग है शाउटेड, SHOUTED, चीखना या चीखी। नेक्स्ट मीनिंग है प्लेंटिवली, PLAINTIVELY, इंग्लिश मीनिंग सोरोफुली, SOROWFULLY, इसका हिंदी अर्थ है दुख पूर्वक। नेक्स्ट मीनिंग है टैपिंग, TAPPING, इंग्लिश मीनिंग है पैटिंग, PATTING, थपथपाना या थपथपाते हुए। नेक्स्ट मीनिंग है हाल्टेड, HALTED, इंग्लिश मीनिंग है स्टॉप्ड, STOPPED, रुकना या रुकी।
नेक्स्ट मीनिंग है सरप्राइज, SURPRISE। इंग्लिश मीनिंग है वंडर, WONDER। हिंदी मीनिंग है आश्चर्य। नेक्स्ट SPACE स्पेस, इंग्लिश मीनिंग है स्काई, SKY। हिंदी अर्थ है आकाश। इसी प्रकार नेक्स्ट मीनिंग सीज्ड, SEIZED। इंग्लिश मीनिंग कॉट, CAUGHT। जकड़ लिया। नेक्स्ट मीनिंग है रश्ड, RUSHED। इंग्लिश मीनिंग है ब्लू फास्ट, BLEWFAST। बहुत तेजी से चली। नेक्स्ट मीनिंग है सोरिंग, SOARING। इसका इंग्लिश मीनिंग है फ्लाइंग, FLYING। उड़ रहा। नेक्स्ट मीनिंग है स्कूप्ड, SWOOPED। इंग्लिश मीनिंग है डाइव्ड, DIVED। झपट्टा मारा। नेक्स्ट मीनिंग है कर्व, CURVE। इंग्लिश मीनिंग है टर्न, TURN। मुड़ना। नेक्स्ट मीनिंग है वास्ट, VAST। इसका इंग्लिश मीनिंग है एक्सपेंडेड, EXPANDED। विशाल। इसके बाद नेक्स्ट मीनिंग है amusedly, AMUSEDLY। इंग्लिश मीनिंग है हैप्पीली, HAPPILY। खुशी से या प्रसन्नता से। नेक्स्ट मीनिंग है अहेड, AHEAD। इंग्लिश मीनिंग बिफोर, BEFORE। हिंदी अर्थ है सामने। नेक्स्ट मीनिंग है फ्राइट, FRIGHT। इंग्लिश मीनिंग है फियर, FEAR। हिंदी अर्थ है भय या डर। नेक्स्ट मीनिंग है बेली, BELLY। इंग्लिश मीनिंग स्टोमक, STOMACH। पेट, हिंदी में से पेट कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है स्कार्प्स, SCARPS। इंग्लिश मीनिंग है पीसेस, PIECES। हिंदी अर्थ है टुकड़े। इसी प्रकार पार्ट सेकंड द ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सिथ के मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, एक्सरसाइज बुक वर्क आप देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियोज अवश्य देखिए। थैंक यू।